तो वेलकम गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे पॉलो द गेमर। और हम आगे फिर से माइंड प्रो सीजन 5 के एक नए एपिसोड के साथ। हाँ, हम इन्हें पिछला एपिसोड जब डाला तो उसके बाद से बहुत ज्यादा गैप हो गया, क्योंकि मैं सही से खेल नहीं पा रहा हूँ इस गेम को, और सही बोलो तो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और क्या ही बोलो। तो चलो, और इस लाइव स्ट्रीम में मैंने बहुत सारा चीज कर लिया, जैसे कि ये इसको देख सकते हो। इसके लिए भी मेरे को घर बनाना पड़ेगा अच्छा सा, और हाँ अभी तो फिलहाल इसको बाहर रखते हैं। और ये सारा मैंने लाइव स्ट्रीम बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये तो सारा लाइव स्ट्रीम बनाया था। और मैंने अभी गैदरिंग किया है, आज हमें बहुत सारा काम करना है। जैसे कि आज मुझे सबसे पहले तो काम करना अपना यार्ड जो है ना, यार्ड बोले तो हम लोग थोड़ा सा अपना घर आने के लिए जो रास्ता है ना समुद्र किनारे वाला, उसे थोड़ा सा डेकोरेट करना है, जो कि ये जगह है। जैसे कि ये जगह देख सकते हो, ये जगह को तो मैंने थोड़ा बहुत सही कर दिया है, बट मैं सोच रहा हूँ इसके चारों एक बिल्ड बना देता हूँ। जैसे कि अब तुम लोगों को दिखाता हूँ बिल्ड। और ये देखो जादू आ गया। तो वैसे के लिए ये एक मॉडल है, मतलब मॉडल क्या बोलते हैं इसको, ब्लू प्रिंट, या ब्लू प्रिंट है, जो कि मैं अप्लाई करने वाला इस जगह पे। और हाँ, ये जगह कैसा लग रहा है तुमको बताना होगा। और ये बिल्ड थोड़ा सा बड़ा है, बट इसके लिए रिसोर्स हमें बहुत सारा चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं रिसोर्स क्या क्या चाहिए दिखाता हूँ मैं। ओके, तो इतने सारे रिसोर्स मुझे चाहिए। ओके, तो मैं इसे सारा देखते हुए सामान इकट्ठा करता हूँ, और मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए सारा यहाँ पे इकट्ठा करूंगा। तो सबसे पहले तो एक बनाते हैं हम लोग चेस्ट। और ऑलराइट गाइस, तो जितना रिसोर्स हो सका उतना इकट्ठा कर लिया। भाई बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मेरे पास कोई भी चीज़ इंचैंटेड नहीं है। डायमंड का सॉल्ट, डायमंड का पिकेक्स है, बट एक भी इंचैंट नहीं है, जिसके कारण माइन करने में मुझे पता कितना मेहनत लगा। और हाँ, मैंने थोड़ा सा ट्रैप फॉर्म भी कर दिया है कि जहाँ पे मैं अपना बिल्ड बनाने वाला हूँ। तो आप लोग टाइम लेस का मजा लीजिए, और मैं बिल्ड बनाता हूँ। और ऑलराइट गाइस, तो फाइनली बन के तैयार हो चुका है हमारा ये फील्ड। देखने में कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और हाँ साथ ही साथ लाइक कर देना। तो अंदर से मैं तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसा बना है। तो एक जैसे कि ये हमारा रूम है, तो ये रूम हमारे दो तरफ से कनेक्टेड है। ओके ना, ये कनेक्ट तेरा यहाँ से भी बाहर निकल सकते हो, और एक उधर से भी बाहर निकल सकते हो। बेसिकली ये रूम बनाने वाला हूँ मैं अपना शॉप टाइप का, जो कि यहाँ पे कुछ सामान बेचेंगे, जैसे कि सोचते हैं, मैं सोच रहा हूँ अभी अभी आगे फूड शॉप बनाने वाला हूँ, तो आगे आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो फिर ऊपर चलते हैं। तो ऊपर का सेक्शन हमारा क्राफ्टिंग टेबल का है, तो हम यहाँ पे सिर्फ अपना सामान रखे हैं, और यहाँ से हमें नीचे जाने का और एक रास्ता है। रास्ता की कोई कमी नहीं है, जहाँ मैं तहाँ रास्ता बनाया है। और अंदर का डेकोरेशन तुम लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ एक बार फिर ये भी कॉमेंट में जरूर बता देना। ऑलराइट, ये थोड़ा सा बालकनी टाइप का है, यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है डेकोरेशन के तौर पर। और इधर से देख सकते हैं अपना हम लोग कोई आया है क्या। ओके ना, और इधर से हम लोग देख सकते हैं मेरे घर में कोई है क्या।
और ये है तेरा स्विमिंग पूल नहीं है एक्चुअली ये अप एंड डाउन करने का एक ही मतलब जरिया मिला, क्योंकि अप डाउन करने के लिए स्टेयर लगा सकते हैं बट स्टेयर लगाने में मज़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने इस पानी लगा दिया। अब पानी लगाने से क्या होगा कि मैं पानी सारे ऊपर डाउन भी हो सकता हूँ और हाँ अच्छा भी लगता है देखने में। और यहाँ से हम चारों तरफ अपना दिशा देख लगते हैं, इधर रहते हैं इस सीजन, उसका बेस इधर है। जल्दी हम लोग के बेस के कनेक्ट करने वाला हूँ, मैं एक पुल बनाने वाला हूँ, आई गेस मैं ही बनाऊंगा, देखते हैं कब बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा रिसोर्स इकट्ठा करना पड़ेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। आज हम ये तो बना लिए, अब मेरे को काम करना है फूड पे, क्योंकि इस सर्वर में खाने की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर देखा जाए तो सब कुछ खाना कहाँ से खरीदते हैं, कभी खाना सीजन के, एक तो खाना सिर्फ सीजन बेचती है, ओके ना। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हॉगलिंग फार्म बनाया जाए। हाँ हॉगलिंग फार्म बन जाएगा तो मेरा एक काम हो जाएगा, मुझे फूड भी मिल जाएगा और शॉप में हम लोग रख के इसे बेच भी सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा इनकम हो जाएगा। सिंपल है, और हम लोग एक बार तो ऊपर जा चुके हैं, ओके ना। ऊपर जाने के लिए मतलब नेदर पोर्टल के सारे ऊपर हम लोग जा चुके हैं एक बार, तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए हमें। तो एक बार देखते हैं हम लोग नेदर जाते हैं कि हम लोग रूप में सुमन होते हैं क्या, क्योंकि मैं एक बार रूप में जा चुका हूँ टेराकोटा लाने के लिए। ओके, तो हम रूप में नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये पोर्टल यहाँ पे एक्टिवेट है, जिस कारण हम ऊपर नहीं जा सकते। ओके, ये तो प्रॉब्लम हो गया, अरे बाबा। और राइट, तो आज मुझे रूप पे जाने के लिए मुझे जहाँ तक मालूम है मेरे अंदर का पोर्टल है नेदर वाला ना, उसे मुझे तोड़ना पड़ेगा, बट उसके लिए मुझे अपना ये पिकेक्स है ना सेक्रीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तोड़ के वापस आ नहीं सकता हूँ उसके जरिए। और हमारे पास अभी तक मैंने बेडरॉक को ब्रेक किया नहीं है, जिसके कारण हम लोग अप डाउन हो नहीं सकते। तो एक ही ऑप्शन है कि मैं नेदर पोर्टल ऊपर बना हुआ है मेरा, बस नेदर वाला जो है ना सीलिंग वाला नहीं छोड़ के नीचे वाला तोड़ना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं सारा सामान इसके अंदर रख देता हूँ, फिलहाल इसके अंदर रख देता हूँ, अब ये हम तोड़ देते हैं, ओके ना। ये पोर्टल मेरा टूट गया है, मैं काम कर सकता था यार, चेस्ट बना के रहता तो मेरा काम हो जाता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे वुड मिल जाएगा, और वहाँ पे किसी का पोर्टल है, तो आई गेस ओके, इन लोग से थोड़ा दूर रहना है मुझे। अरे मेरा चेस्ट प्लेट भी है, नहीं मुझे मरना नहीं है, तो बहुत सारे बंदे आ रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। ओ भाई 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 भाई, क्या कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये इस तरह नहीं मरना था। कोई बात नहीं, आयरन ही था, जाने दे। ऑलराइट, इतने सारे सामान हो गए हैं, बट मुझे नेदर से भी कुछ चाहिए था, जो कि मैंने गलती कर दिया। मुझे पहले नेदर का सामान लेके आना था, बट नेदर का सामान लाने के लिए मुझे तो मुझे और एक पोर्टल बनाना पड़ेगा, नेदर पोर्टल, जहाँ पे मैं ओवरवर्ल्ड में जा सकूँ, क्योंकि हमारे पास अभी दूसरा ऑप्शन तो है नहीं ना। ऑलराइट, तो इतना सामान मैं लेके जा रहा हूँ ओवरवर्ल्ड, ओवरवर्ल्ड मतलब नेदर, बट नेदर जाने के बाद हमें नेदर में भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा, जैसे कि है हमें फंगस चाहिए, तो फंगस के लिए सबसे पहले ऑब्सीडियन चाहिए होगा, मुझे 10 ऑब्सीडियन फिर से माइन करना पड़ेगा। फटाफट माइन करते हैं और एक पोर्टल ये साइड बनाते हैं, उससे थोड़ा दूर बनाते हैं, नहीं तो मेरा पोर्टल के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट पोर्टल के साथ, वो अप वाले से, तो वो नहीं करना है मुझे, मुझे करना है थोड़ा सा अलग। तो यहाँ पे मैंने बना के रखा ऑलरेडी अपना, यहाँ लावा पे है, तो इस लावा का उपयोग हम लोग करने वाले हैं ऑब्सीडियन में कन्वर्ट, पहले से किया हुआ है, अब इसे तोड़ते हैं फटाफट। और राइट, तो 10 मैंने ऑब्सीडियन माइन कर लिया, पानी अपना उठाते हैं और चलते हैं पोर्टल बनाते हैं। तो पोर्टल बनाने के लिए बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे बनाऊँ, क्योंकि ये पोर्टल मेरा नेदर ओवरवर्ल्ड में खुलना चाहिए,
तो इसको कर रहा हूँ मैं पानी किनारे बना रहा हूँ, और ये जगह पे ठीक है, यहीं पे बना देते हैं, क्योंकि इसका मैंने ज़्यादा उपयोग करना नहीं है, सिर्फ सामान लाने जाने के लिए उपयोग करना है। तो एक दो तो, तीन तीन राइट, ये बन गया पोर्टल, प्लीज मुझे लेके जाना। अरे रे, बस सिर्फ नेदर लेके जाओ मुझे, ओवरवर्ल्ड लेके जाने का, नहीं ओवरवर्ल्ड नहीं, नेदर वाले वर्ल्ड पे ले जाना, नेदर का रूप मत लेके जाना प्लीज। अरे यार, ये भी मेरा नेदर रूप के साथ कनेक्ट हो गया, बट मुझे नेदर वापस तोड़ना पड़ेगा अपना पोर्टल। ये तो मुझे वो पोर्टल तोड़ना पड़ेगा। ऑलराइट, मेरा ऑक्सीजन अपना कलेक्ट कर लिया, अब चलते हैं थोड़ा सा दूर पोर्टल बनाते हैं, क्योंकि मेरा उस पोर्टल के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ जंगल में, वो पोर्टल के साथ अब कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इतना दूर आ गया मैं, प्लीज वो पोर्टल के साथ कनेक्ट मत करना। आप देखते हैं ये पोर्टल मुझे कनेक्ट करता है कि नहीं नेदर वाले वर्ल्ड में। भाई इतना दूर बनाया, फिर भी ये इसी के साथ कनेक्ट क्यों हो गया मुझे, और कितना दूर जाके पोर्टल बनाना पड़ेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा पोर्टल वहाँ पे लिटरली बता रहा हूँ उस जगह पे है, फिर भी पोर्टल वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है भाई। अब क्या करूँ मैं, कितना दूर जाऊँ, और दूर जा जाता हूँ। ओके, अपने बेस से दूर में यहाँ पे आप पोर्टल बनाता हूँ, अगर यहाँ से भी कनेक्ट हो जाता है ना तो भाई बहुत 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 कुछ गंदा लगेगा। लेट्स गो, ट्राई करते हैं। प्लीज इस बार नेदर लेके चला। फाइनली हमें नेदर लेके आया, और हमें जिस बायोम में आना चाहिए था उस बायोम में तो नहीं लाया, बट ठीक है। यहाँ पे इन लोग से बच के रहना पड़ेगा थोड़ा सा, इन लोग से बच के रहना पड़ेगा, इन लोग से बच के रहना पड़ेगा। गधेड़े गधेड़े, तो मुझे नेदर का ये वुड भी चाहिए और ये फंगस भी चाहिए, तो वुड यहाँ से भी मिल जाएगा। अरे इससे नहीं सकेंगे। अबे यार, एक शॉट में डैमेज कर दिया भाई, एक शॉट में डैमेज मर दिया भाई। भाई भाई, नसीब हमारा खराब, हम लोग आ गए स्पॉनिंग पॉइंट पे, लिटरली स्पॉनिंग पॉइंट पे आ गए, हमें अब होम तक जाना है भाई। फट यार, फटाफट निकलना पड़ेगा मुझे पेड़ तोड़ के। एक मैं गोल्ड का ये बना लेता हूँ हेलमेट, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं मरना बार बार, तो एक गोल्ड का हेलमेट पहन लेते हैं, और उसके बाद चलते, सोचे पहले तो बेड में क्लिक कर लेते हैं भाई, दोबारा मार के मुझे अपना उस जगह पे नहीं जाना है। चलते हैं, अगर मेरा सामान होगा तो अच्छी बात है, वैसे होना चाहिए, नेदर में अभी कोई है नहीं तो मेरा सामान डिस्पोन नहीं होना चाहिए। ओके, ये रहा सामान मेरा, ऑलराइट, सारा सामान मुझे मिल चुका है, तो मुझे ये भी चाहिए और ये चाहिए, टोटल पांच, और वुड भी चाहिए, तो फटाफट इकट्ठा करते हैं। और नेदर में देख रहे हो इतना खौफनाक जगह, कौन देता है यार, जो ओल्ड डेथ। ओके, ये रहा मेरा मेरा पोर्टल, शायद यही है। और मैं यहाँ पे नीचे गिरा था। ओके, मेरा सारा सामान है यार, मगर इसने मेरा सारा सामान पहन लिया, मैं क्या करूँ। एक काम करता हूँ, पहले तो इसको मारना पड़ेगा मुझे। वो लावा को बंद करना पड़ेगा पहले तो, नहीं तो ये लावा पे जंप कर दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो
चलो मेरा सामान दो। यस, मेरा सारा सामान मिल गया। ओके, जो चीज मुझे लेना था वो ले लिया। मैं बेसिक क्रिजियम स्ट्रीम लेने आया था और विदर फंगस लेने आया था, इसको लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। भाई ये बहुत गंदा जगह आता है। अब ये क्या, मुझे कहाँ पे अंदर घुसेड़ दिया? ओ भाई 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 भाई, ये तो गलत बात है। ये पोर्टल मुझे ओवरवर्ल्ड में ना ला के कहीं और पे ले पटक दिया। ओवरवर्ल्ड में पटका मट जमीन के अंदर में, माने 6 पे हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो यार, हर पे 6 से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। और राइट, तो मैं अपना बेस वापस आ चुका हूँ और जो जो मुझे चाहिए नेदर का सामान वो मुझे ले लिया है। और बस एक मुझे एक बकेट लावा ले जाना है, जो कि एक बकेट लावा मुझे कहीं पे मिल जाएगा। ओके, एक बकेट लावा मिल गया। अब मुझे बनाना है होपर भाई, फाइनली। और वैसे भी मैं जिस बायोम पे हूँ उस बायोम पे ही हॉगलिंग फार्म स्पॉन होता है, जो कि है क्रिजियम फॉरेस्ट के ना, आई गेस मेरे ख्याल से। हाँ, इसी बायोम पे स्पॉन होते हैं, तो मैं यहीं पे बिल्ड करना चालू करता हूँ। और गाइस, तो ये फार्म बनके तैयार हो चुका है जैसे कि तुम देख सकते हो, और नीचे में हॉगलिन आना भी चालू हो चुका है। अभी तक दिखा क्यों नहीं? ओके, बनाते बनाते आ रहा था बट अभी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ओ भाई, ये देखो आना चालू हो गया, हॉगलिन आता है। तो यहाँ पे मैं कुछ देर ऐप के होता हूँ, ओके ना, कुछ देर ऐप के होता हूँ और देखते हैं हमारे पास कितना आता है। Let's go. और गाइस, तो काफ़ी देर मैंने एफके होने के बाद मुझे बहुत सारा फूड मिल चुका है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इतने सारे फूड हो गए। और मैंने एक चेस्ट बनाया जितना भी मेरा इन्वेंट्री था, इन्वेंट्री खाली करने के लिए, क्योंकि ये सारा चीज़ मुझे लेके जाना था वापस अपना वर्ल्ड पे बेचने के लिए। तो अपने सारे चेस्ट पे रख दिया पुराने सामान और यहाँ से खाना प्लस लेदर उठा लेता हूँ मैं। तो टोटल कुछ अच्छा खासा मेरे पास हो गया, लेदर भी बहुत अच्छा खासा हो गया। और चलते हैं अपने बेस की ओर। अब हाँ, मेरे को खाने की कभी कमी नहीं पड़ेगा। अच्छा खासा मैंने बना लिया फार्म एक, और इसे शॉप पे लगाना है। बेसिकली मैं ये तरी ये छोटा सा घर है, ये जगह पे मैं शॉप बनाऊंगा, मतलब बेसिकली हाफ स्टैक एक डायमंड पे लेदर बेचूंगा और एक स्टैक एक डायमंड पे कुक्ड पोर्क चॉप बेचूंगा। तो इसके लिए मुझे एक चीज़ बनाना पड़ेगा। और तो मैंने कुछ इस तरह इसको डेकोरेट कर दिया, 1 diamond = 64 मिल जाएगा तुम्हारा मतलब खाना, और लेदर मिलेगा हाफ स्टैक 1 diamond पे, क्योंकि ये थोड़ा सा पता नहीं मैंने किया बट ठीक है। ये सह रहा, इस तरह करके मैंने थोड़ा सा अपना आज फर्स्ट बिजनेस चालू कर दिया है, जो कि बस समुद्र किनारे आना है मेरे, यहाँ पे घुसना है और ये रास्ता रहा और ये खाना यहाँ पे रह गया। मैंने छोटा सा कैंटीन टाइप का बनाया जो कि लग के देख के, और यहाँ पे बैठने के थोड़ा सा जगह भी दिया है। यहाँ प्लेट में रख दिया खाना, और इधर प्लेट में पता नहीं मैंने लेदर क्यों रखा है बट ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। और थोड़ा सा टॉर्च लगा देता हूँ कि चलो इस पे टॉर्च लगा देता हूँ मैं, चलो ओके। और यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा स्टोरेज टाइप का लगा दिया है, और बाकी कुछ नहीं काम का है, बस ये काम का है, ओके ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को मज़ा आया होगा, और अब जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ये मतलब थोड़ा सा टाइम लगे इस पर, थोड़ा सा मैं उलझ गया था कामों पे अपना ऑफिस के, बट कोई बात नहीं, अब जल्दी हम लोग वीडियो फटाफट लाने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।